अभी अभी पापा बने हैं, कैसे जी फादरहुड को किस तरह से एंजॉय कर रहे बहुत हैं? मज़ा आता है एक्चुअली। मतलब ये मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ ये फीलिंग्स कैसी होती हैं, और जो ऑलरेडी पेरेंट्स हैं वो समझ सकते हैं शायद इस बात को। और कभी होता ना कि शूट के बाद ऐसे घूमना फिरना यार दोस्तों के साथ, और अब लेकिन होता है कि शूट ख़त्म हो और मैं घर जाऊं अपनी बेबी से मिलूं जाके, तो बड़ी एक ब्यूटीफुल फीलिंग होती है वो। पॉप में और इंग्लिश में ही करना है सब कुछ। या या व्हाई नॉट, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश ब्रो? चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी हाँ जी। ओके सो कपिल, सबसे पहले तो हमने आपकी एंट्री देख ली थी, बड़े ही डांस वाले मूड में आप ऑलरेडी आए हैं। हाँ बस वो एंट्री मेरा मूड था, उसके बाद जब मैंने देखा ना डांस इतना मुश्किल होता है, अब देखो दोनों बहनें मुझे घेर के बैठी भागने नहीं दे रही। पर हाँ मैं मतलब हैट्स ऑफ टू शक्ति एंड मुक्ति, ये बहुत मुश्किल काम है, पर हाँ ये पैशन वाला काम है और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और मैं अभी शक्ति से बोल भी रहा था कि मुझे सीखना है, एक्चुअली जेन्युइनली सीखना है आज तो, बिकॉज हम लोग शूट कर रहे हैं तो इतना टाइम नहीं होता है कि, पर अगर मैं रेगुलर सीखूँ तो मुझे लगता है कि मैं और खूबसूरत और सेक्सी हो सकता हूँ। ऑलरेडी हो और भी हो सकता हूँ। मुक्ति का सरप्राइज हमने खराब कर दिया है, हमने ऑलरेडी आपको मिला दिया, हमने छुपा रखा था। अच्छा ना, मेरे को लगा था मैं कौन सी शीट के नीचे छुपूं, कहां पे, पर मुझे पता नहीं, पता चल गया था कि मुक्ति आ रही है। सरप्राइज नहीं छुपते, हम जिम्मेदार नहीं है सरप्राइज करने के, हम बच गए। शक्ति आप बताइए कपिल किस तरीके से माइंड में आए, किस तरीके से? अरे तो माइंड में क्या, हमेशा दिल में दिमाग में हर हिंदुस्तानी के, हर किल कर दिया, पूरी दुनिया में सबके दिल में रहते हैं। और बहुत मेरा मन था कि पाजी आए स्टूडियो में और डांस करें हमारे साथ, मतलब दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि पूरा ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब पर हो नहीं रहा। हो रहा पूरा है, हो रहा है, सच्ची में हो रहा है। और मतलब पहली क्लास में कोई इतना अच्छा कर ले, ये सिर्फ यही कर सकते हैं। और हम अभी अभी रिसेंटली इनके घर पे गए थे, ये कमाल के, मतलब अभी कॉमेडी के बाप थे, अब तो बेटी के बाप बन गए हैं, एंड ही इज किलिंग इट एवरीवेयर। मतलब हर रोज हम इन्हीं के वीडियोस देख रहे होते हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे ना समझ नहीं आता जब तारीफ हो तो उस समय कैसे एक्सप्रेशन देने चाहिए, कैसे दिखाओ। थैंक्स, थैंक यू। कौन-कौन से फॉर्म्स आए हैं अभी तक डांस के और अंदर क्या? आई जस्ट लर्निंग
हिप हॉप यो यो ये मुक्का मारने के लिए सामने लड़की चाहिए हाँ रुको मैं बता दी 5 6 7 दो इसलिए मैंने शक्ति को आगे रखा था कि इसका कैप्चर हो और मैंने कितनी बार भी ना ऐसा होता था मैंने कहा मैं लाइन भूल गई तो क्योंकि मैंने कभी कॉमेडी की नहीं थी मैं कह रही मैं कैसे करूंगी क्या होगा कहते कोई नहीं पुत्र तू चिंता नहीं करी मुझे ना बिल्कुल उन्होंने पुत्र की तरह रखा कि ये लड़की भी नहीं है ये लड़का है जैसे और पूरे टाइम जैसे कभी रिहर्सल करानी है कुछ भी करानी है बीच में अगर मैं फंबल मारती थी तो ये गाना गाने लगते थे और गाना चलता था मैं डांस करने लगती थी बस आज समय आ गया है वो चुकाने का कि मैं एक्चुअली मैंने जब 10 साल पहले हमने एक सीजन किया था तो मैंने कहा मुक्ति इट्स वेरी इजी आज मुझे समझ में आ रहा है किसी को बोलना बड़ा इजी होता है लेकिन जब खुद करनी पड़ती है वो चीज़ें जैसे इनके तो खैर इनको गॉड गिफ्ट है और उसके बाद इनका रियाज बहुत है इनकी बहुत इन्होंने मेहनत की आज इस मुकाम पे पहुंचने के लिए हाँ सडनली हम लोग इनके जूते में बांध डालेंगे तो ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल फील होगा पर हाँ बिकॉज दे आर लाइक फैमिली तो मुझे नर्वस नहीं हूँ मैं कम से कम तो ठीक है बेइज्जती होगी जब आएगा ये एपिसोड पर उससे झेल लेंगे बिल्कुल भी नहीं होने देंगे आपकी बेइज्जती हम नहीं होने देंगे और ये सर्कल भी पूरा हुआ है पहले ये आपके शो में आए थे अब आप इनके शो में आए हैं जी बस ये चलता रहे बस सारी उम्र यार मुझे डांस सीखने का एक्चुअली ना मेरे मन में शुरू से होता है जब भी कोई हमारे शो में आता ना कोई एक्टर्स आते हैं तो वो लोग जब डांस करते हैं तो मैं क्या करता हूँ धीरे से साइड में जाके तो मेरे को और कुछ आता नहीं तो फिर जब शक्ति से मुलाकात हुई तो मैंने कहा मैं मुक्ति को तो मैं बड़े सालों से जानता हूँ तो मैंने बोला भी शक्ति से कि मुझे डांस सीखना है तो मैं कहा आपका कोई स्टूडेंट अगर मुझे सिखा दे क्योंकि शक्ति से सीखने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल इनिशियल लेवल पे आप ऐसे खतरनाक डांसर से नहीं सीख सकते तो फिर मुझे शक्ति ने प्रॉमिस किया है कि ये अपने किसी स्टूडेंट से पहले तो मुझे थोड़ा सा तैयार करवाएंगी और फिर मैं जेन्युइनली सीखूंगा डांस मैं उनकी स्टूडेंट हूँ मैं उनकी छोटी बहन हूँ तो मुझसे शुरुआत कर लो उसके बाद दीदी के नहीं, पास नहीं, ये भी ये दोनों बहनें बहुत बहुत अपर लेवल की हैं डांसर्स और हाँ पहले मैं जूनियर लेवल से शुरुआत करूंगा किसी बच्चे से सीखूंगा 8-10 साल का कोई क्योंकि 8-10 साल के बच्चों को इम्प्रेस करने में माहिर हूँ उसके बाद वाले समझदार हो जाते हैं वो फिर मेरे से इम्प्रेस नहीं होते जी बहुत मज़ा आता है एक्चुअली मतलब ये मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ ये फीलिंग्स कैसी होती हैं और जो ऑलरेडी पेरेंट्स हैं वो समझ सकते हैं शायद इस बात को और कभी होता ना कि शूट के बाद ऐसे घूमना फिरना यार दोस्तों के साथ और अब लेकिन होता है कि शूट खत्म हो और मैं घर जाऊँ अपनी बेबी से मिलूँ जाके तो बड़ी एक ब्यूटीफुल फीलिंग होती है वो ओके लास्टली कुछ कहना है मैं तो आपने कहना नहीं है अभी थोड़ी सी क्लास जो हुई थी ना उसका आपने असर देख लिया ऐसे ऐसे वाला हुआ अभी यू हैव टू सी द रियल थिंग अभी तो हमें करना है अभी जाके अंदर डांस आई थिंक सबसे बड़ी बात तो हमें ऑडियंस को ये बोलनी है कि इतना सारा प्यार देते हो आप इतना सपोर्ट करते हो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कपिल पाजी का खुद का शो है तो बहुत प्राउड फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि हाँ मतलब इस भी लेवल के शोज़ बन सकते हैं तो ये हमें बहुत इंस्पायर करता है और आप आज यहाँ पर आए हो हमें प्यार देने हमें सपोर्ट देने हमें बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच ऐसे ही प्यार देते रहो कपिल पाजी को और ये हमें इतने लोगों को आप हील करते हो ना ये रहो डॉक्टर कपिल रखना चाहिए आपका नाम पर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा इसके साथ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स पर शक्ति जो कर रही हैं अगर मुझे लगता है कि हर कोई इंसान ही अपने घर में भी जो गृहणियाँ हैं जो हाउस वाइफ्स हैं अगर वैसे ही आप इनका अगर शो देखें यूट्यूब पे जाके तो उससे अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि डांस सीख के डांसर्स बनो लेकिन अगर आप हल्का फुल्का डांस अगर आप घर पर करें ये देख के अब इतना फ़ायदा तो उठाना चाहिए हमें सोशल मीडिया का तो वो सीख के अगर आप अपने घर पे करें प्रैक्टिस तो आई थिंक फिटनेस जो है वो आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी आप फिट हो सकते हैं सो मैंने तो फिलहाल फिटनेस के लिए ही करना है ऐसी मुझे कोई स्ट्रीट डांसर टाइप फिल्म ऑफर हुई नहीं है तो मुझे तो इसके बाद हो जाएगी तो मुझे फिटनेस के लिए ही करना है सो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है शक्ति ने और मुक्ति जो है वो सब साथ में ये शो बना रहे हैं सो ये शो आप देखें और उनसे सीखें और अपने घर पर प्रैक्टिस करें और एकदम फिट हो जाएं जैसे शक्ति है देखिए कैसे तिक्खी तिक्खी ठुड्डियों वाली लड़कियां तिक्खी ठुड्डी हाय ठुड्डी धन्यवाद बहुत स्वीट बोला आपने थैंक यू अच्छा ये सब भी दिखा पूरा ऊपर से नीचे लुक होता है स्कैन या चलो मैम आप तो फिर नहीं कर लेते हम उधर से यार
यहाँ पे ले लेते बैकग्राउंड पे। अच्छा ठीक है।